जय माँ मातंगी। कहाँ से है आप दीदी? मैं बिहार से आई हूँ। अच्छा, गजना से। मैं राजस्थान से हूँ और मैंने टीवी पे, संस्कार टीवी पे गुरुजी का चैनल देखा था, माँ मातंगी दरबार। यूट्यूब पे भी गुरुजी की वीडियो देखती रहती हूँ हमेशा, उसी के आधार पे मैं यहाँ पे आई हूँ। जब से मुझे ऐसे लग रहा है कि सारी दुनिया के काम बन रहे हैं, तो लग रहा है मेरा भी काम बनेगा। हम यूट्यूब पर देखें गुरुजी का, तो हमको मन बहुत विचलन होने लगा कि हम जाएंगे। गुरुजी को देखा तो बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला। दरबार में भी बहुत अच्छे से सब व्यवस्था वगैरह सब कुछ है और मातंगी माँ पे बहुत बड़ा विश्वास है कि ठीक होके जाएंगे पापा और हम सभी। पापा अब अगली पेशी लग रहा है ऐसे कि पापा जी साथ में आएंगे, ऐसे लग रहा है मुझे। लगता है कि ऊपर से स्वर्ग से भगवान चले आए हैं। हम जाएंगे, उनको चरणों में गिरेंगे। हो सकता है जो हमको दुख बांट लें, माता मातंगी के दरबार में आए हैं बहुत दुखी होकर के, तो हम सुने यहाँ जब प्रवेश किए तो देखें कि सब गुरु भाई गुरु बहनों बहुत यहाँ सेवा कर रहा है। गौ माता का, छोटा छोटा पक्षी का, बहुत आदमी आ रहे हैं, भीड़ लगा रहे हैं। तो हमने आए 2-3 दिन हो गया और पेशी भी हो रहा है। अच्छा। पहली बार हम आए। ऐसा कोई भी मंदिर दरबार नहीं जहाँ गुरुजी पर्चे पे बैठे बैठे बता देते हर किसी को अपनी समस्या की, आपके ये प्रॉब्लम है। ऐसा मैंने कहीं दरबार नहीं देखा जो नहीं, आज माँ मातंगी का दरबार देखा मैंने। इतना गुरुजी में बहुत ज्यादा भगवान की तरह है गुरुजी, भगवान दूसरे नंबर भगवान है, तो वो गुरुजी जैसे लग रहे मुझे। मुझे भी लग रहा है कि जैसे स्वर्ग में आए हैं और हमने अभी आरती की है तो देख रहे हैं। मुझे का शक्ति जो आदमी झूल रहा है, चल रहा है, तो हम भी अनुभव किए कि मैं भी ठीक होकर के जाऊंगा। नस प्रॉब्लम है, कमर का दर्द है, आपका घुटना का बहुत दर्द रहता है, बहुत दवा खाए, 5 साल से हम दवा खा रहे हैं। अच्छा। तो हमको ठीक नहीं हुआ। हमें भी ऐसे ही, बस हमारा भी ये, हम बहुत जगह दरबार में जा जा गए, वहाँ भी हमको कुछ भी फायदा नहीं मिला। हमारा ये मातंगी का दरबार लास्ट बार हम माँ के चरणों में आए हैं, तो माँ हमारा सारा काम बना देंगे। विश्वास ही सबसे बड़ी चीज है, विश्वास है। माँ के दरबार में हम आए तब हम भी इसी मनोकामना से आए, सारे लोग के देख रहे हैं कि ठीक होकर के जा रहे हैं, तो हम भी सोचे कि ठीक होकर के जाएंगे। माँ इतना कृपा करेंगे कि सभी को स्वर्ग, जब यह धरती पावन है, जो इस स्थल पर आता है वो सभी पावन जगह पर ठीक होकर जाता है। दरबार जो लगा हुआ है दीदी लोग का, सब स्वर्ग में आया। ऐसे यहाँ की मिट्टी भी स्वर्ग जैसी लगती है और यहाँ पे हरियाली वगैरह ऐसे लगते है, अपन घर में गांव में ऐसे बहुत अच्छा भगवान के प्यारा लग रहा है। यहाँ पे इतने सारे पशु पक्षी को देखते हैं, हरियाली वगैरह है, गाय गो माता है इधर बहुत अच्छा से। एक चीज और देख रहे हैं कि यहाँ पशु पक्षी जो आदमी का देखता है तो दौड़ा चला आता है। बहुत आदमी को देखे व्हील चेयर पर जाता है, हंसते हुए वापिस आते हैं, रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाते हैं, पैरों बिना पैर से जाते हैं, पैरों पर चल कर आता है। सही हमने कामना करके आई है और अच्छे से हंसी खुशी से जाएंगे ना। दीदी लोग आए हैं, सब हंस खेल रहे हैं, हंस खेल सही बात है। रात से कोई नहीं जा रहा है, सब आते हैं जाते हैं। आज तो बहुत भीड़ लग रहा है। हाँ, आज कल से ज्यादा आज भीड़ लग रहा है। और गुरु जी बिना देखे हुए आदमी को लिखे हुए बता देते हैं। हर लोग अपनी समस्या दूर करके जा रहे हैं यहाँ से। हम तो भगवान के देखे नहीं, दूसरा रूप में देख लिए। सही बात है, सही है। हम लोग तो अनदेखा है। सही बात है, हम भी फर्स्ट बार आए, अनदेखा ही है, बस विश्वास के ऊपर आए अभी। और ऐसे लग रहा है कि अपना काम, हाँ, कीजिए कि भगवान है ये, भगवान के लेके। सही बात है, ऐसे लग रहा है कि अपना तो स्वर्ग है और ऐसे लग रहा है हमारा काम हो गया 50%। मुझे ऐसे लग रहा है कि पापा जल्दी से जल्दी घर पे आएंगे और मेरे साथ में ही आजू बाजू आए अपना हस्बैंड कर लेकर। अच्छा, बोले कि चलो बहुत जगह दावा कराई है तो वहाँ भी देख लेते हैं। सही बात है, चलिए वहाँ स्वर्ग है, ठीक हो जाएंगे, आराम से ठीक होंगे। ऐसा थोड़ी इतना दावा खाए हैं तो ऐसा थोड़ी माँ मातंगी के नाम लेके। सही बात है, सही। अगर ठोकर लग गया तो माँ मातंगी ठुकराएंगे नहीं। माँ मातंगी बस सबका भला करते, तो अपना भी भला करेंगे। असल इनको नाम पूरा एकदम फैल गया पूरे देश में, राजस्थान, हिंदुस्तान, सब में, यूट्यूब पे, हाँ, बहुत सारे हिमाचल प्रदेश से, बॉम्बे से खूब सारे यात्री आए। हाँ, और उनको मतलब यहाँ पे सब सुविधा वगैरह, आराम, सब सुकून से रह रहे हैं इधर उधर, खाना पीना सब कुछ व्यवस्था है, सब चीज का सुविधा और अच्छे से रह, सबका आते रहते हुए देखती हूँ और ऐसे रहते हैं। कुछ नहीं है, शांत, एकदम शांत वातावरण है।
और देखती हूँ मैं कोई स्वर्ग में हम लोग चले आए, लगता है हम जय भी नहीं करेंगे घर। सबके आते तब इतना मुंह करके छोटा सा दुखी मुंह लगता है यार। अब यहाँ पे देखते हैं अंदर आते दरबार में उनके चेहरे पे हंसी खिल जाती है, प्यारा सा लगता है, प्यारा सा लगता है। स्वर्ग है, स्वर्ग नहीं जाएंगे। माँ मातंगी का कृपा है, अगर हम लोग स्वर्ग में है तो ये भी सही है। सही है जय माँ मातंगी।